TSM के वांटेड जो है वो डाउन जरूर हो चुके हैं, मतलब फिनिश होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। इसका मतलब TSM के जो खिलाड़ी थे वो किसी और की जगह के आसपास भी उतरे, वो थे फ्लाइंग के खिलाड़ी। लेकिन एनिग्मा के रेक्स फॉलो अप होते हैं 7C के स्प्रे गॉड के द्वारा, अपने नाम पर खड़े उतरते ही खिलाड़ी अभी के लिए नजर आए हैं। काफी मिड रेंज की एक डिसेंट सी फाइट थी, प्ले ओपोनेंट ने देखा नहीं था, कोच भी है उसके ऊपर मैं जरूर आऊंगा। लेकिन उससे पहले एगी ने थोड़े बहुत शॉट्स लिए थे, स्प्रे गॉड उनकी एचपी कम है मतलब उनको पीछे की तरफ को जाना पड़ेगा, लेकिन पीछे 7C के बाकी खिलाड़ी भी तैयार रहेंगे, इंतजार कर रहे हैं। आप स्प्रे गॉड को देखिए, उनको शायद पता चल चुका प्लेयर कहां पर है, लेकिन एक पिक्सल दिखा था और उसी पिक्सल के ऊपर यहां पर शॉट्स दिए गए और उसी के बाद सवितार उन्होंने यहां पर काम कर दिया है, एक प्लेयर को डाउन किया जा चुका है। 7C के स्प्रे गॉड तो खैर डाउन है ही है, लेकिन एनिग्मा पर जो प्रेशर है वो 7C ने बना लिया है। ईवो अगले प्लेयर डाउन होने वाले बन चुके हैं, मतलब सारा इस समय मोर्चा जो है अभी के हिस्से पर, अभी के कंधों पर पूरा भार आता हुआ, लेकिन अभी कैसे फाइट नहीं पाएंगे, सारंग उनके पास आएंगे, फिनिश किया जाएगा एनिग्मा। आज का दिन शायद ये टीम याद नहीं करना चाहेगी वापस कभी। बिल्कुल मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कोटेशन की हमने बात करी थी, देखिए ये जेट्स की होती है, इसमें दो खिलाड़ी बैठते हैं और वो बैठे बैठे ही चले गए। ओवेस आरी स्पोर्ट्स का सबसे पहला झटका ओवेस ने ही दिया था। आप एक प्लेयर लेट जाता है और उसके बाद अपना गन पावर यूज करता है, देन जो शॉट्स निकलते हैं वो बहुत कम रिकॉइल जनरेट करते हैं एंड उनके शॉट्स हद से ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं। इसका मतलब जब उन्होंने खोला सारी गोलियां उन्होंने अटैक करी एंड इट लिटिल इवेंट अकॉर्डिंग टू हिम।